मैं परचेज तो करने की ट्राई कर रहा था बोट के एडोप्स 161, बट गलती से परचेज कर लिया 163, एंड 163 का रिव्यू मैंने आई थिंक अभी तक किया नहीं है। तो 2023 में देखेंगे क्या ये एयरफोन्स 1000 रुपए में आपको वैल्यू फॉर मनी निकाल के दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे होली के नाम पे थोड़ी सी सेल चल रही थी, वैसे होली की कोई प्रॉपर सेल आई नहीं। ये मेरे को मिले हैं करीबन 1100 रुपए में। एंड एक और बात, जिनको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पसंद है ना, तो ये उनमें से एक है। चले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दो, लाइक भी कर दो, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। सबसे पहले आपको एडोप्स 163 का नेम मिल जाएगा, मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग है। कुछ की फीचर्स साइड में एंड पीछे की तरफ हाइलाइटेड आपको मिल जाते हैं। जैसे आप इसको ओपन करते हैं, वही बोट के ढेरों सारे पेपर वर्क के बीच में आपको एक स्टिकर, टू पेयर ऑफ एक्स्ट्रा एयर टिप्स स्मॉल एंड लार्ज, एंड आप अपने कान के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, उसमें लेजीनेस मत दिखाना। अब मिल जाएगी एक टाइप सी की चार्जिंग केबल, जो कि हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि हमें वही यूज करनी है अपने फोन वाला चार्जर। मेन प्रोडक्ट का मत भूलना, ये आपको मिलता है ग्लोसी फिनिशिंग में, जो कि बाद में स्क्रैचेस तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करने वाला है। केस आई डोंट थिंक सो आपको मार्केट में मिलेगा, बोट की ब्रांडिंग मिल जाएगी। सामने की तरफ, नीचे की तरफ एक चार्जिंग इंडिकेटर के साथ चार्जिंग पॉइंट मेंशन है, एंड हिंज सेक्शन यार काफी अच्छा दिया गया इस प्रोडक्ट का, टाइट है एंड सेटिस्फाइंग साउंड आती है। एयरफोन्स में आपको मिल जाएगा काफी पतला सा यहाँ पे डंडा, जिसको हम स्टैम्प शेप एयरफोन्स भी बोल सकते हैं। तो एक यूनिक शेप दी गई है, इन ईयर डिजाइन है। कंफर्ट में आपको मिल जाएंगे 3 से 4 घंटे का बढ़िया कंफर्ट, जहां पे ईयर में इरिटेशन नहीं होंगे। जैसे बताया था यार, टू ईयर टिप्स हैं, जैसे बताया था दो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलते हैं, तो अपनी कान के हिसाब से एडजस्ट कर लेना इसको, क्योंकि आपके पास ही रहने वाले, किसी और को देंगे नहीं। आईपैक्स 5 दिया हुआ है, तो अगर आप इसको जिम वगैरह में यूज करते हैं, रनिंग जॉगिंग करते हैं, हल्का फुल्का जो पसीना आता है वो झेल जाएंगे, उसमें खराब नहीं होंगे। बट पानी में भिगो के मत टेस्ट करना, क्योंकि वाटर वाली वारंटी तो बोट भी नहीं देगा। बट कंफर्ट लेवल अच्छा मिल जाता है, आपके कान से गिरेगा नहीं, एंड अब जॉगिंग तो कर पाएंगे अच्छी तरह से। इनको अपने फोन लैपटॉप से पहले कनेक्ट कर लेना, जिसके बाद ही आप म्यूजिक सुन पाएंगे। एंड कनेक्टिविटी के लिए बोट ने दिया 5.1। ईयरफोन्स को निकालेंगे केस से, इसको कनेक्ट करेंगे अपने डिवाइस के साथ, एंड पेयरिंग काफी इजी है, तो केस से बाहर होनी चाहिए जब कनेक्ट हो रहे हो। 10 मीटर की रेंज आपको मिल जाएगी, उसके बीच में कोई भी घर घर खच खच की आवाज नहीं आएगी। साउंड क्वालिटी काफी अच्छी होने वाली है 10 मीटर की रेंज तक, बट बाद में डिस्टोर्शन आ जाता है। अब कनेक्ट कर लिया, साउंड क्वालिटी टेस्ट करना है, तो साउंड के लिए मिलते हैं 13 mm के ड्राइवर, 13 जो साउंड ड्राइवर है वो थोड़ा सा अच्छा लेवल वाला है, जहां पे बेस हो, म्यूजिक लेवल हो, या फिर वोकल साउंड की प्रोसेसिंग हो, एवरीथिंग काफी अच्छी आपको मिल जाती है। एंड जो गाने हैं वो सुन पाएंगे, जो तगड़ा वाला बेस बोलते हैं, जो बूम बेस बोलते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड आपकी म्यूजिक एक्सपीरियंस को काफी इनहेंस करने वाला है। तो यार साउंड के मामले में बढ़िया मेरे को लगे, 1000 रुपए 1100 रुपए स्पेंड कर रहे हो, तो इससे बेटर शायद ही कोई एयरफोन्स आपको मिले फॉर साउंड। साउंड यहाँ पे मेन पॉइंट है। एंड जैसे यार ईयरफोन्स हम पुट करते हैं अपने कान में, टच करना है इसको, म्यूजिक वगैरह चेंज करना, तो सिंगल टैप म्यूजिक पॉज, डबल टैप चेंज हो जाएगा, एंड वॉल्यूम कंट्रोल करनी है ना, तो वो आपको आपके फोन से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ईयरफोन्स पे ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, आप यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट यूज कर सकते हैं, अवे कर सकते हैं, वो टच काफी अच्छी तरह से काम करते हैं, आपको 9 बार काम करते हुए मिल जाएंगे 10 में से, जो बढ़िया एक्यूरेसी के साथ आता है। आउटडोर कूलिंग एक्सपीरियंस की बात है, बोट के 163 यहाँ पे इस टाइप का परफॉर्म कर रहे आउटडोर कंडीशन में, तो क्या आप इसको माइक्रोफोन के लिए प्रेफर करेंगे? I mean, क्या आप इसको कॉलिंग के लिए प्रेफर करेंगे आउटडोर कंडीशन में? कमेंट कर दीजिए। राइट, अब यहाँ पे मिलता है 40 घंटे का बैटरी बैकअप आपको चार्जिंग केस के साथ। सिंगल टाइम में बात करेंगे, एक बार में लगातार कितने घंटे आप इसको यूज कर सकते हैं, वो है 6 से 7, एंड वहां पे आपकी म्यूजिक की लेवल डिपेंड करता है, कितना वॉल्यूम पे आप म्यूजिक सुन रहे हैं। 60-70 सुनेंगे तो आपका बढ़िया वाला टाइम चल जाएगा, बट अगर 100% पे यूज करते हैं तो आपको करीबन 4-5 घंटे का बैटरी बैकअप ही मिल पाएगा, जो कि अच्छी बात है। फिर से बाकी बोर्ड ने यहाँ पे ASAP एज सून एज पॉसिबल वाली चार्जिंग दी हुई है, जो कि काफी फास्ट है। 5-10 मिनट चार्ज करेंगे तो आपको 90 मिनट तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। और अगर चार्जिंग टाइम की बात करूं, तो केस को चार्ज करने में 1.5 घंटा, एंड एयरफोन्स को चार्ज करने में करीबन लगेंगे आपके 45 से 50 मिनट, एंड जब केस चार्ज होगा तभी आपके एयरफोन्स चार्ज होंगे। तो केस चार्ज कर लेना टाइप सी की चार्जिंग केबल से। अब सारी बातें कर लेते हैं, निचोड़ यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्या ये एयरफोन्स लेने लायक हैं? डिजाइन ठीक है, कंफर्ट ठीक है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, माइक्रोफोन क्वालिटी मेरे को ठीक ठाक लगी, आप बाहर बात कर सकते हैं, अंदर बात कर सकते हैं, आपके ऊपर है, बट ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। अब गेम तो है नहीं खेलने के लिए, तो जिन लोग को गेम खेलना है
साउंड क्वालिटी थोड़ा कंप्रोमाइज करने तो ये आप हटा दो अपने लिस्ट से, बट जिनको चाहिए अच्छी साउंड देन ये आप ले सकते हैं। सेल में आपको 1000-1100 रुपए में मिल जाएंगे देखने के लिए, जो कि इनका बेस्ट प्राइस भी है। आज थोड़ा डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश की, वीडियो में अच्छी लगी कमेंट करके बता दो, नहीं लगी वो भी आप मेरे को बता दो कि हम आगे ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय।